डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आरएसएस ओडिया ट्यूटोरियल पीजी रो स्पॉट रो गाइडलाइन आसी मु पूर्व अपलोड करी वीडियो जहाँ मु तुमको कही थी कि मेरिट लिस्ट अनुसार एडमिशन हे से ही अनुसार ही एडमिशन हे बोली प्रोसेस आसी केवल किसी डेट्रे चेंजेस आख फास्ट पॉइंट कौन दौर पीजी सब्जेक्ट व्वेज वैकेंट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल एट एटा ऑलरेडी अवेलेबल हो सारी जो मैंने देखने से देखने वो तापर कौन ना ये जो गोटे देख आफ्टर सेकेंड सिलेक्शन एडमिशन ऑल रिमेनिंग हायर ऑप्शन ऑफ ए सब्जेक्ट और नॉट सिलेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ द कैंडिडेट आर एरर करेक्शन कैंडिडेट विल बी टेकन आर कंसीडरिंग स्पॉट देख स्पॉट जो मैंने सब एडमिशन पाई से जो हायर ऑप्शन रहा स्पॉट कंसीडर कर जो मैंने एडमिशन न पाई से सब्जेक्ट ये कंसीडर कर एवं जो मैंने एरर अच्छी से मध्य सब सब मानते कलेज गुड़ा को कनसीडर कर स्पॉट ताले कौन ना आउ नुआ फॉर्म तुम्हें सबमिट करना स्पॉट आउ कौन देखा गोटे देख इंपोर्टेंट छा स्पॉट व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट वन इज टू फाइव रेसीओ ताले मन रख वन इज टू फाइव कौन ना जदि से गोटे मेरिट लिस्ट बाहर कर मन कर तुम्हें उत्कल पॉलिटिकल साइंस पकेज उत्कल पॉल साइंस पकेज पॉल साइंस जो पॉल साइंस पकेल उत्कल पॉल साइंस पकेज पॉल साइंस मानकर चारो सीट अच्छी जो चारो सीट अच्छी से फोर इंटू फाइव पिला रखे अर्थात कोड़ेटा पिला मेरीट लिस्ट बाहर जो कोड़ेटा पिला अच्छा मेरीट्रे तो से जा सबमिट करेंगे फर्मटा अफलाइन फर्म जो सबमिट कर अफलाइन सबमिट करेंगे बुझेगा ना मन रख तर जो मानकर मेरीट लिस्ट ना बाहर से सबमिट करेंगे समस्ते जापरेंगे ना बुझीपाल तर से कौन दिन बाहर ना दस तारीख दस अक्टोबर से बाहर मेरीट लिस्ट से जार ना बाहर थी से जी सबमिट करने निज फर्म बुझेगा आउ नुआ फर्म अप्लाए ना केवल जो हायर ऑप्शन गुड़ा रहा है कंसीडर हे जो मैंने टोटाली एडमिशन न पाई से सब ऑप्शन कंसीडर हे जो मैं एरर करेक्शन होता से भी सब ऑप्शन कंसीडर हे तो आउ कौन कौन देयर विल बी नो स्कोप सबमिटिंग न्यू सीएफ और न्यू चॉइस लॉकिंग इन दिस पीजी स्पॉट सिलेक्शन एडमिशन देख तार मुझे कहते कौन ना आउ तुमको न्यू स्कोप मिले ना नुआ फर्म सबमिट करने को आवश्यक पड़े ना जो गुटा तुम हायर मन कर शुण वन तुम दे उत्कल दुई देच रेवेन्सा तीन देच रमादेवी फोर देच एफएम तुम मानक एफएम रु आसी आउ तुम ये जो तीन जगह उपर बाकी आसीना तो ये तीन जगह को तुम स्पॉट स्पॉट कंसीडर कर तुम रैंक अनुजाई तुमको गोटे रैंक मिले तुम जदि से जो जी सीट थी से सीट्र से सीट इंटु फाइव से सीट इंटु फाइव करदेव से पिला डाक तुम जो से पिला भितर आसो तुम डाक आस तुम डाक ना ये कथ आऊपर नुआ फर्म सबमिट करना से जो कहला तुम मन रख नुआ फर्म सबमिट करना ना कैंडिडेट विल बी इंटीमेट थ्रू साम्स व्हाट्सअप अबाउट तेल यहाँ तुमको सी देखिए स्पॉट डिटेल तुमको सी व्हाट्सअप करदेव ना तुम स्टूडेंट लॉगिन जाए तुम देखिपर तापर देख पॉइंट फाइव कौन दौर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिपोर्टिंग द टैग एच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द डेट ऑफ स्पेसिफिक इन एडमिशन डेट टाइम लाइन कैंडिडेट हाज सबमिट टू फोटोकॉपी ऑफ सीए अर्थात तुम फोटोकॉपी सर्टिफिकेट मार्कशीट मैट्रिकुलेशन डिग्री सर्टिफिकेट और सबकि सर्टिफिकेट तुम आज जहाँ जहाँ रिजर्वेशन अच्छी वेटेज अच्छे सबकि तुम्हें सबमिट कर डॉक्यूमेंट कौदिन ना एगार और बार तारीख बोलते दब एगार और बार तारीख दिन तुमको सबमिट करा पड़ेगा डॉक्यूमेंट जहाँ ना आसी मेरिट लिस्ट जो कॉलेज में बुझे जो कॉलेज जहाँ ना आसो से सबमिट करेंगे यहाँ चेक करा कम हो दस तारीख तुम यहाँ छः तारीख जो छःटा पॉइंट सब यूनिवर्सिटी से भाई भाव में गोटे पिलार मैंने सब पिला लिस्टा बनई रख यहाँ किसी दरकार नहीं तुम तो जदि कौन गोटे कैंडिडेट गोटे मन जन पीजी देसी से पॉलिटिकल देसी प्लस इकोनॉमिक्स देसी किंबा सोशियोलॉजी देसी किंबा एजुकेशन देसी सी जीटा एंट्रेंस देसी से जगह फॉर्म फिल सबमिट करा पड़ा ताको से कथा कहगला जदि से वेटेज टाइम भी कि रिजर्वेशन कि अन्य कौन समय जब तुम अपडेट करुचो जो स्पॉट्रे अफलाइन सबमिट करुचो से तुम किसी खराब एरर है तथा तुम्हें कनसीडर हे गोटे रिपोर्टिंग कैंडिडेट हिसाब से रिजर्वेशन एंड वेटेज विल बी कंटिन्यू रेफर पीजी कॉमन प्रोसीजर तेल कौन ना रिजर्वेशन एंड वेटेज सिस्टम विल कंटिन्यू तेल कौन ना जो रेफर जो रिजर्वेशन जहाँ वेटेज सिस्टम से चली चलो सिलेक्शन विल बी डन ऑन मेरिट कैरियर मार्क मानने जमी होता ओनली मैंने मेरिट ओनली एंड वेटेज इफ एन जब तुम किसी वेटेज अच्छी ना तो वेटेज रिजर्वेशन वेटेज से चलो प्लस यहाँ तुम जब क्यारे मार्क वेटेज मिसेक तुम कौन ना सिलेक्शन हो सब्जेक्ट व्वज वन इंटिमेशन विल बी इश्यूड बाय साम्स तो सब्जेक्ट व्वज तुमको इंटिमेशन होती तुम एडमिशन कराया चाहून
ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ମନେକର ତୁମର ଗୋଟେ କଲେଜର ସ୍ପଟ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହୁଁନ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ସେଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କରିଦେଲ ତାହେଲେ ତୁମର ସେଠି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରେ କରିଛ, ଯଦି ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ବି କ୍ୟାନସଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଡେଟ୍ ଦେଲେ କେଉଁଦିନ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଟିକେଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, 10 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ବାହାରିଯିବ, ମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛ 10 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାରିଯିବ, 11 12 ରହିବ ରିପୋର୍ଟିଂ। ଦେଖ ରିପୋର୍ଟିଂ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଥିବ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ସେମାନେ ସେଇ କଲେଜରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ, ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଡାଟା ଅପଡ଼େସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ଏଚ୍ଆଇ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଲେ ବାକି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଡାଟାଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବ କିଏ ନା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଟା ଦେବ କି ଏଇ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ 18 ତାରିଖ। ତାପରେ 19 20 ରହିବ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଆଉ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଡାଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ ଯେ କେତେ କିଏ ରହିଲେ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ମେନ୍ଲି ଏବେ ପ୍ରାୟ କଲେଜରେ ଦେଖିବ, କଲେଜ ହେଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ପ୍ରାୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ କୌଣସି ଅନର୍ସରେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ସବୁ ଅନର୍ସରେ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ଜିରୋ। କେବଳ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ନା ଜେନେରାଲ ୱେଟେଜ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଜେନେରାଲ ୱେଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ନା, ଆଉ ବାକି ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜିରୋ ଜିରୋ ଜିରୋ। ଏଇଟାକୁ କନସିଡ଼ର କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜେନେରାଲ ପିଲାର ୱେଟେଜ୍ ସିଟ୍ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ କମ୍ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯାହାର ୱେଟେଜ୍ ଥାଏ ଜେନେରାଲରେ, ଯଦି ସେ ସିଟ୍ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ନୋ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ। ନହେଲେ ଦେଖ ଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ହଉ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।